वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जून 2019 और 12 जून 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है? तो आई बी सुब्बा राव को फिर से उपराष्ट्रपति का सचिव अपॉइंट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं आई बी सुब्बा राव। ये अभी तक भी हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सचिव थे, लेकिन अब इनको फिर से उपराष्ट्रपति का सचिव अपॉइंट किया गया है। अच्छा, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है, हमारे प्रेजेंट टाइम पे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हमारे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये व्यक्ति वाइज 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और कार्यकाल वाइज अगर आप देखोगे तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। दो का अंतर कैसे आया? जैसे अगर कोई व्यक्ति दो बार उपराष्ट्रपति रह लिया तो व्यक्ति तो एक ही काउंट होगा लेकिन कार्यकाल दो काउंट होंगे, इसीलिए दो का अंतर है। तो एम वेंकैया नायडू व्यक्ति वाइज 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और अगर आप कार्यकाल वाइज देखोगे तो ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों को स्कूल भेजने वाली सभी महिलाओं को 15,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और पहली ही मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि आंध्र प्रदेश में ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये स्कीम बनाई गई है कि ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजेंगी उनको अगले साल 26 जनवरी पर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है, तो आप मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अभी हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हा। अच्छा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कितने? 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और आंध्र प्रदेश की जब भी बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप याद रखिए आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRSDC ने किस देश की रेलवे के साथ समझौता किया है? तो अभी IRSDC ने फ्रांस की रेलवे के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IRSDC, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इंडियन रेलवे ने अपने स्टेशन को और डेवलप करने के लिए फ्रांस की रेलवे के साथ समझौता किया है। बात फ्रांस की है तो मैप में देखिए आप, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस आते ही अभी आपके माइंड में फीफा विमेन वर्ल्ड कप आना चाहिए क्योंकि फीफा विमेन वर्ल्ड कप अभी फ्रांस में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये G7 शिखर सम्मेलन भी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब G7 लिखा देखकर तुरंत माइंड में आना चाहिए कि आखिर ये है क्या? तो ये 7 देशों का समूह है। क्या है? 7 देशों का समूह। और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अच्छा, वो 7 देश कौन से हैं? तो US, UK, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और इटली,
इन सात देशों का समूह है G7। कौन कौन से देश हैं? यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली। इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ आपको ये सातों देश याद कर लेने हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन अभी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए भारत को इनवाइट किया गया है, स्पेशली अपने देश भारत को इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आर बी जानकी रमन का निधन हुआ है? तो आर बी जानकी रमन ये पुंडचेरी के मुख्यमंत्री रहे थे और कब से कब तक रहे थे? 1996 से 2000 तक ये पुंडचेरी के चीफ मिनिस्टर रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे आर बी जानकी रमन, ये पुंडचेरी की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी इनका निधन हुआ है। अच्छा, बात पुंडचेरी की है तो पुंडचेरी इंपोर्टेंट है। आप मैप में देखिए, ये है पुंडचेरी। पुंडचेरी अलग अलग बटा हुआ है, चार जिले हैं पुंडचेरी में, माहे, यनम, कराईकल और पौंडचेरी। ये जो चार आपको डॉट दिख रहे हैं, यही चार जिले हैं पुंडचेरी के और यही चार जिले मिलकर बनाते हैं पुंडचेरी को। कौन कौन से जिले हैं? माहे, यनम, कराईकल और पौंडचेरी, और जो पौंडचेरी जिला है वही पुडुचेरी की कैपिटल है। अच्छा, पुडुचेरी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? बी नारायण स्वामी। और पुडुचेरी के प्रेजेंट टाइम पे एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। जितने भी राज्य होते हैं उनके गवर्नर हुआ करते हैं और जितने भी केंद्र शासित राज्य होते हैं उनके एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते हैं। तो पुडुचेरी की एलजी हैं किरण बेदी। अच्छा, ये जो पुडुचेरी मैप में है इसमें जो माहे डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। माहे डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आप बताएंगे माहे। अच्छा, सबसे छोटा पता चल गया तो सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी कनाडा ने 2021 से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कनाडा के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह घोषणा की है कि 2021 से कनाडा में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होगा। अच्छा, बात कनाडा की है तो मैप में देखिए, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, कनाडा के बारे में तो कल भी मैंने आपको बताया था, कनाडियन ग्रांड प्री 2019 किसने जीता? लुईस हैमिल्टन ने। कल ही मैंने आपको बताया है कनाडियन ग्रांड प्री 2019 जीता है लुईस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी नोवाक जोकोविच इस बार की ATP रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं नोवाक जोकोविच। और ये हैं कहां के? ये सर्बिया के हैं। कहां के हैं? सर्बिया के। और ये इस बार की ATP रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। अच्छा, ये जो ATP लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो नोवाक जोकोविच तो टॉप पर है, सेकंड नंबर पे कौन रहे हैं? फर्स्ट नंबर पे हैं नोवाक जोकोविच, सेकंड नंबर पे हैं राफेल नडाल और थर्ड नंबर पे हैं रोजर फेडरर। तीनों मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, टॉप थ्री आपको याद रखने हैं, तो आप तीनों याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बीरेंद्र कुमार को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देखिए, ये हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार और ये मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ से 7वीं बार सांसद बने हैं और अब इनको 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये जो टर्म लिखा है प्रोटेम स्पीकर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्पीकर तो हम सब जानते हैं लेकिन एग्जाम में स्पेशली प्रोटेम स्पीकर पूछ लिया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब कभी भी नई लोकसभा का गठन होता है तो जब तक परमानेंट स्पीकर नहीं बनता तब तक जो स्पीकर बनाया जाता है उसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और ये बनाया कैसे जाता है? जितने भी सांसद बने हैं उसमें सीनियर मोस्ट सांसद देखा जाता है। तो सीनियर मोस्ट सांसद की एक लिस्ट बनाई जाती है, फिर उस लिस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भेजा जाता है। तो वहां से डिसाइड होता है कि कौन प्रोटेम स्पीकर बनेगा।
तो जो भी प्रोटेम स्पीकर बनता है और मेनली जो सीनियर मोस्ट सांसद होता है वही बनता है, उसको शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन प्रोटेम स्पीकर 3 से 4 दिन के लिए ही बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, 3 से 4 दिन के लिए ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उसके बाद जब परमानेंट स्पीकर बन जाता है तो परमानेंट स्पीकर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आप याद रखिए 17वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, और ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से 7वीं बार सांसद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBRN आपातकाल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कहां आयोजित किया गया है? तो अभी गुजरात के कांडला में CBRN आपातकाल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण आयोजित किया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये प्रशिक्षण आयोजित किसने किया है? तो ये आयोजित किया है NDMA ने। अब ये जो NDMA है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, तो NDMA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये CBRN आपातकाल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण आयोजित किया है, और कहां किया है? गुजरात के कांडला बंदरगाह पर। अच्छा, कांडला बंदरगाह सुन के कुछ क्लिक करना चाहिए माइंड में, ये जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल के क्या किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। अब यहां पे एक और इंपोर्टेंट टर्म लिखा है CBRN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सी फॉर केमिकल, बी फॉर बायोलॉजिकल, आर फॉर रेडियोलॉजिकल और एन फॉर न्यूक्लियर। तो CBRN आपातकाल केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपातकाल के लिए एक बुनियादी प्रशिक्षण गुजरात के कांडला बंदरगाह पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत कुमार ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो यस बैंक के बोर्ड में अभी कार्यकारी निदेशक थे अजीत कुमार, और अब इन्होंने यस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं अजीत कुमार और इन्होंने ही यस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। अच्छा, यस बैंक इंपोर्टेंट है और इसके बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और यस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ब्रह्मदत्त। अच्छा, यस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? रवनीत गिल। कौन है? रवनीत गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरिम CBC सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी शरद कुमार को इंटरिम CBC सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है शरद कुमार और इन्हीं को अंतरिम CBC सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये जो CBC लिखा है इसकी भी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है। तो CBC की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और CBC की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और CBC का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी गुजरात के महीसागर जिले में भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गुजरात में है महीसागर जिला, वहीं पे भारत के पहले डायनासोर म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, बात गुजरात की है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और विजय रूपाणी ने ही इस डायनासोर म्यूजियम का उद्घाटन किया है। एक क्वेश्चन और बन सकता है गुजरात से कि गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो OP कोहली प्रेजेंट टाइम पे गुजरात के गवर्नर हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे फीफा का फिर से अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी ज्ञानी इन्फेंटिनो को फीफा का फिर से अध्यक्ष चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडाई ग्रैंड प्री 2019 किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC, INDRESHRC
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश सारसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।